हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। भारत ने जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। बता दें कि पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया है। इस स्ट्राइक में लगभग 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और इस स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के जज्बे को जहां पूरा देश सलाम कर रहा है और पीएम मोदी के काम की सराहना कर रहा है, वहीं अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले केआरके यानी कमाल रशीद खान ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे सोशल मीडिया पर खलबली सी मच गई है। दरअसल केआरके ने ट्वीट किया है कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जंगल में हुई और बीजेपी जीत गई। अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक लोकसभा चुनाव से पहले हुई, मोदी जी जीत जाएंगे। वहीं दूसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा, सरकार के मुताबिक हमारी सेना ने बालाकोट के जंगल में बने एक कैंप पर हमला किया, बहुत बढ़िया, ये देखकर पाकिस्तान भी खुश होगा, जय हिंद। आपको बता दें कि जब से केआरके ने ऐसा ट्वीट किया है तभी से उनके फैंस तिलमिला उठे हैं और जमकर गालियां दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस कार्रवाई की आम इंसान से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक सभी सराहना कर रहे हैं, लेकिन कमाल रशीद खान ने जो कारनामा किया है उसकी वजह से उन्हें ट्रॉल होना पड़ा है। हाल ही में पुलवामा हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने एक बयान की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी थी, यहां तक कि लोगों ने उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई थी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कहीं केआरके भी अपनी इस ट्वीट की वजह से फंस ना जाए।